डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, 10th क्लास में जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं उसमें केमिस्ट्री की एक पार्ट अम्ल क्षारक और लवण को पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग, जैसा कि पिछले दिन हम लोग टॉपिक्स बनाए थे अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, तो ये टॉपिक्स तो हम लोग बना ही लिए थे। टॉपिक्स क्या था एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर नहीं लिखे होंगे तो आप टॉपिक्स बना लीजिए। अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, उसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो लिखा जाए। जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण ऐसे लिखते हैं, तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका मतलब दोस्त, ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अम्ल रहे या फिर क्षार रहे, ठीक है, अम्ल रहे या क्षार रहे, जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु बोले तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या हुआ, धातु होते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा क्या बनाते हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को H2 से डिनोट्स किया जाता है, तो ये हम लोग का बनेगा प्रोडक्ट। हम लोग पढ़े हैं ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कि जहाँ पे भी हाइड्रोजन बोलेगा तो वह अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में लिखते वक्त एच हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, अम्ल और क्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग को समझेंगे कि आखिर कोई सा अम्ल रहेगा, तो इसके एग्जाम्पल में नोट्स करेंगे। जैसे मान लिया HCl है, HCl को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसका नाम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग एक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं जिसका नाम है सोडियम, सोडियम को बोलते हैं Na, ठीक है। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं, यानी कि ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हमेशा चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोस्त आपको याद रख लेना होगा इस अभिक्रिया को, चाहे कोई सा भी अम्ल हो या कोई सा भी क्षार हो, उसको जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमेशा क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक, देख लीजिए अम्ल है और ये सोडियम एक तरह का धातु है, तो यहाँ पे बनने वाला जो चीज़ है वो लवण कहलाता है, यानी कि यहाँ बन रहा है NaCl, जो किस कैटेगरी में आता है, लवण के कैटेगरी में आता है, और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और हमेशा H2 गैस बाहर निकलता है। ये हो गया हाइड्रोजन गैस। जरा इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो इसको दो से गुना कर देंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, दो ठो, यहाँ क्लोरीन एक ठो है, तो इसको दो से गुना कर देंगे तो सोडियम हो जाएगा दो ठो, ठीक है। तो इस तरीके से अब पहला एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखें, एक अम्ल को धातु के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बना, तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, और इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग लवण कहते हैं। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस बार एक क्षार लेते हैं जिसको NaOH, ठीक है, एक क्षार है जिसका नाम क्या है NaOH, इसको बोलते हैं दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जिसके अंत में अगर हाइड्रोक्साइड आएगा ना, उसको बोलेंगे क्षार। एक पहचान है, जिसके अंत में अगर हाइड्रोक्साइड आए, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिस यौगिक के लास्ट में मिले उसको क्या समझना है,
क्षार समझना है, ठीक है, ये पहचान है क्षार का, तो इसके नाम से पहचान हो जाता है। तो इस बार हम लोग क्या लिए हैं, क्षार, और इस क्षार को कोई धातु के साथ रिएक्शन कराना है। हम धातु के रूप में लिए जेडन, जेडन को बोलते हैं दोस्त जिंक, ठीक है। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का क्षार है और जिंक क्या है हम लोगों का, एक तरह का धातु है। तो हम लोग क्या पढ़े, चाहे अम्ल लो चाहे क्षार लो, अगर उसको धातु के साथ कराएंगे तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को मिलता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है Na2ZnO2। इसका नाम है दोस्तों सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा लवण की कैटेगरी में आता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अम्ल लो, उसको अगर धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्षार है, इसको भी धातु के साथ आप रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा इसको याद रखना है। तो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का फार्मूला Na2ZnO2, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो Na कै गो है यहाँ पे, एक गो, यहाँ कितना है दो ठो, दो से गुना कर देंगे, ऑक्सीजन दो ठो, ऑक्सीजन यहाँ पे भी दो गो, हाइड्रोजन दो गो, हाइड्रोजन दो गो। तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल में हम लोग किए कि अगर कोई भी अम्ल रहेगा या कोई भी क्षार रहेगा, अगर उसको हम लोग धातु के साथ कराएंगे हमेशा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब लवण के रूप में अलग अलग हो सकता है, ये यौगिक लवण है, ये यौगिक को भी लवण बोल सकते हैं। तो लवण कई तरह के होते हैं और आप पढ़ते रहिए, हम ये भी आपको बता देंगे कि कौन कौन से यौगिक है जिसको हम लवण कहते हैं, तो उसका एक लिस्ट तैयार करके हम दे देंगे जो लवण की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा NaCl भी किस में आता है, लवण में, और सोडियम जिंकेट भी किस में आता है, लवण में। चलिए तो इस तरीके से पहला वाला का ये दो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, नया टॉपिक्स लिखेंगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, का अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलिए हम लोग क्या टॉपिक्स दिए हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा दोस्तों कि आखिर कार्बोनेट क्या है। तो दोस्त ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, ये आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट, वो कार्बोनेट का एक पहचान है कि अंत में CO3 जुटता है, तब उसको हम लोग कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हुआ HCO3 जुटा रहता है। तो ये आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, जिसे हम लोग कैसे हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, नहीं उसी तरीके से कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, तो याद रखिएगा CO3 होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी धातु का कार्बोनेट हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यानी कि धातु के रूप में हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बोनेट फिक्स रहेगा यानी कि CO3। अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट फिक्स रहेगा, धातु बदलेगा, ठीक है। जैसे मैं
दिखाते हैं एग्जाम्पल में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, अलग अलग धातु, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि धातु का कार्बोनेट रहे चाहे धातु का दोस्त हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, अगर दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है उसको हम लोग सीख रहे हैं। आप अभी समझें कि कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, HCO3, ठीक है। तो चलिए, अगर ये नहीं जानते हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फिलहाल इस टॉपिक के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 तथा जल का निर्माण होता है। देख लियो भाई, यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि या तो हम लोगों का धातु कार्बोनेट रहे या फिर दोस्तों धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे। अगर इन दोनों को ही हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, हमेशा क्या बनाएगा तो लवण बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसको CO2 बोल सकते हैं, और जल बनाएगा, याद रखिएगा जल, ठीक है। यहाँ पे भी चाहे धातु का कार्बोनेट हो चाहे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तीन चीज़ बनाता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिख कर आप उसके नीचे घेर दीजिएगा ताकि पता चलेगा कि कोई पूछेगा कि भाई धातु का कार्बोनेट है अगर वो अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या क्या बनेगा, तो आप लिखिएगा कि याद रखना होगा आपको कि धातु का कार्बोनेट हो चाहे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा हमेशा क्या क्या बनाएगा, तो हमेशा लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Na2CO3। नाम से पता चल रहा है CO3 तो कार्बोनेट के लिए आता है, हम अभी अभी बताएं, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा रहेगा तो HCO3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या टॉपिक्स है कि कोई भी कार्बोनेट रहे कोई भी धातु का, यानी कि इसके पहले कोई धातु होना चाहिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक तरह का क्या है तो धातु कार्बोनेट है, ठीक है। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं धातु कार्बोनेट, इसका मतलब है कि धातु के जगह पे सोडियम और कार्बोनेट फिक्स है। कार्बोनेट को पहचानने के लिए CO3 का भी आप यूज कर सकते हैं। जब इसको दोस्तों किसी अम्ल के साथ करते हैं, अब कौन सा अम्ल लिया जाए, तो अम्ल के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, और इस HCl एक अम्ल है, और जब हम धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, तो तीन चीज़ें बनवाना है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो लवण के रूप में यहाँ बनेगा NaCl, ठीक है, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2,
और जल बनेगा, यानी कि जल का फार्मूला H2O। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कुल मिलाकर यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी गई हैं कि धातु कार्बोनेट को आप अम्ल के साथ रिएक्शन करो, तो धातु कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसको अम्ल के साथ रिएक्शन किए तो सोडियम क्लोराइड बना, जो एक तरीके के लवण के रूप में होता है। ठीक है, हम आपको टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको लवण किसको किसको कहते हैं, चाहे लवण में कौन कौन सा आता है, कभी कभी आपको ना ये कन्फ्यूजन होता है कि आप NaCl को भी लवण लवण कह रहे हैं, सोडियम जिंकेट को भी लवण कह रहे हैं, तो ये कैसा मतलब चीज़ है जिसको हम लोग लवण ही सबको बोलते जा रहे हैं बेहिचक। तो लवण के लिए ना हम आपको एक टेबल दे देंगे, या वहाँ पे ये रहेगा कि लवण की श्रेणी में कि कौन कौन आते हैं, आप उन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। जैसे NaCl भी लवण होता है, सोडियम जिंकेट भी एक तरह का लवण होता है। तो कुल मिलाकर हम इसका देने वाले हैं, दो तीन क्लास और रुक जाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ना आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि हम लोग धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ रखते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। चलिए, अब ये धातु का कार्बोनेट था, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अब की हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो इसका पहचाने है कि HCO3 रहेगा तो उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहना है। ये किस कैटेगरी में आया? तो ये आया धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट में। याद रखिएगा, हम यहाँ पे कोई सा भी धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते, मतलब कोई भी ले सकते हैं धातु के रूप में। ठीक है, यहाँ धातु के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो हम अम्ल हमारे पास है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं। तो याद रखिए, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तब पर भी वही चीज़ बनेगा। हालांकि पहला वाला में हम संतुलित नहीं किए थे, छूट गया होगा, याद नहीं पड़ा होगा, तो देख लीजिए, कर लीजिए। यहाँ सोडियम 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन यहाँ 2 गो हो जाएगा तो 2 गो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन भी 2 गो हो जा रहा है, ऑक्सीजन 3 गो हो जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 गो हो जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों का अब बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ से भी हम लोगों को क्या बनने वाला है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक किस फॉर्म में होता है? एक लवण, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल। तो देख पा रहे होंगे आप, यानी कि इसका मेन मैकेनिज्म याद रखना होगा ऊपर वाला, कि धातु का कार्बोनेट हो, अगर वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, हमेशा तीन चीज़ बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चाहे वो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे, देखें हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला HCO3 पहचान है, चाहे यहाँ सोडियम रहे, एल्युमिनियम रहे, कोई भी रहे, उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर कोई अम्ल दिया रहेगा तो उस अम्ल से हम लोग तीन चीज़ बनाना है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़े कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, चाहे कार्बोनेट रहेगा, अगर वो यूज कर उनको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को तीन चीज़ बनता है। ये दोनों एग्जाम्पल को आप उसके नीचे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नोट में करके लिखना है, NOTE, नोट। नोट में फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर दीजिएगा, ये सवाल पूछता है एग्जाम में। लिखा जाए, चूना पत्थर कॉमा खड़िया, नाम ही है इसका खड़िया, खड़िया कॉमा संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के, यहाँ पे लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। याद रखिएगा, विविध रूप का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्त फार्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो,
कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको हम बता दें कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है। और आज से जान जाइए कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं। ये सवाल में आ चुका है कि चूना पत्थर का सूत्र बताइए, तो हम चूना पत्थर को CaCO3 ही कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 ही कहेंगे। लेकिन एक और खड़िया का, इसी को खड़िया नाम से जाना जाता है, तो खड़िया का भी सूत्र कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, CaCO3। और दोस्तों संगमरमर का तो नाम आप सुने होंगे, संगमरमर, तो संगमरमर भी इसी को कहते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का तीन गो नाम याद रखना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। ये सवाल में आता है क्वेश्चन कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताइए, चाहे संगमरमर का सूत्र बताइए, चाहे खड़िया का पूछ सकता है, चूना पत्थर का पूछ सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो जानते ही हैं कि सी ए से कैल्शियम और कार्बोनेट CO3 होता है। तो कुल मिलाकर आपको ये जानना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही विविध रूप हैं, विविध नाम हैं, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब का फार्मूला CaCO3 होता है। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास को फिर यहीं तक एंड कीजिए, नोट के पॉइंट तक, और फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर धन्यवाद।